मैं एक बात कहूँ, आज का जो मुद्दा है मंदिर का, वो कहीं रह ना जाए, ये बड़ा बड़ा जबरदस्त मुद्दा है। आज अगर हम राम जन्मभूमि की भी बात जिक्र कर लें तो बुरी बात नहीं है। राम जन्मभूमि का निर्माण जल्दी होना चाहिए। राम मंदिर को लेकर कैसा सपना है आपका इस बार? देखो, पहली बात तो जो सही है, भगवान के साथ हम पॉलिटिक्स नहीं करते। किसी प्रेस ने पूछा मुझे कि आप क्यों नहीं आगे लगते, मैं कह लगूंगा जरूर आगे, अगर कोई मेरी तरह मौत को दोस्ती बना के एक कदम बढ़ाएगा तो मैं 100 कदम बढ़ा के चलूंगा, पर वापस नहीं आऊंगा कह के वापस। हमारी जवान जब निकलती है तो फिर वापस नहीं मुड़ती है। कोई ऐसा होगा मंदिर के निर्माण के लिए, पहले शरीर का बचा हुआ बम्बों से हिस्सा मैं मंदिर के चरणों में दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं इसके लिए, आप मुझे जानते, मैं पीछे नहीं हटता। जब राम सेतु टूटने लगा था, जब चिदंबरम ने कहा राम सेतु तो है ही नहीं, मैं गया था वहाँ, मैंने जाके शपथ ली थी, हे राम जी, हे राम सेतु, हनुमान जी, अगर राम सेतु टूटेगा, बम्बों से बचा हुआ हिस्सा तेरे चरणों में दे दूंगा। हम मौत को दोस्ती की, जब मीडिया ने जब बता दिया राम सेतु तो है और नितिन गडकरी ने फैसला कर दिया नहीं टूटेगा, तब हम बचे, नहीं तो मौत देने के लिए तो तैयार थे। ये मेरी गारंटी है। जय श्री राम नाम झूठा नहीं, राम के साथ राजनीति नहीं, राम के साथ जीवन देना है तो उनके चरणों में देना है। अगर मेरा जीवन जाए मेरे लिए तो खुशी का दिन होगा। कह दिया तो कह दिया, वापस नहीं आऊंगा। मेरे साथ एक कदम चलने वाला मेरे जैसा हो जो मौत को गले लगा दे।